डॉक्टर पावसे अर्धांगवायू पुनर्वसन आणि निसर्गोपचार केंद्र, निसर्गरम्य आणि प्रदूषण मुक्त वातावरणात 20 कॉटचे उत्तम मशीनरी आणि सर्व सुविधा उपलब्ध असलेले सुसज्ज निसर्गोपचार केंद्र। अर्धांगवायू, मान, पाठ, कंबर आणि सांधेदुखी, हातापायांना मुंग्या येणं, टाच दुखी, चेहऱ्याचा पॅरालिसिस, ॲक्युपंक्चर, फिजिओथेरपी, जलचिकित्सा, बाष्पचिकित्सा, योग चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, आहार चिकित्सा आणि माती चिकित्सा। संपर्क डॉक्टर रमेश पावसे, ठिकाण हिवरगाव पावसा, रायतेवाडी रोड, तालुका संगमनेर। संपर्क 9623-2567-22। मैंने तमाम खास तौर से जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, चलने दीजिए, हम बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं विखे पाटिल साहब, उनसे बात करूँगा मैं कि आप जो है यहाँ की आपको बुझाइए, आप सिंह करा दीजिए, यहाँ मंदिर और ये अपना दरगाह को जो है जिस तरह से उसके जो रजिस्टर है वो उसके अंदर अपना वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर है, और एक बार वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर हो गए ना वो हट नहीं सकते कभी लाइफ में, वो बोर्ड रजिस्टर है, उसके जो है ट्रस्टीज लोग हैं, उसके लोग उसको देखते हैं वो लोग। अब आज क्या हो गया कि अब जब एक वो हो गया है, 92 में एक बात तय हो गई थी कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद अब किसी इबादत गाह के ऊपर कोई अपना हक जमाएगा नहीं, जो जैसा था वैसे ही रहेगा, नहीं कहाँ हो रहा है। अब देख लीजिए बनारस में जो है वो मस्जिद जो है क्या नाम ज्ञान वापी मस्जिद का रोज मामला चल रहा है, रोज चल रहा है, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हम जो है यहाँ पे जो ईदगाह है वहाँ की अपना मथुरा की उसका भी लेंगे हम वो भी करेंगे, इससे नफरत ही बढ़ने वाली है और कुछ नहीं। इसको कहीं ना कहीं ठोस कदम होना चाहिए, और मेरी दूसरी मांग सरकार से बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर तो 80% जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ इसलिए होती है एक धर्म वाले दूसरे धर्म के खिलाफ होते हैं। किसी ने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कुत्ते पे जूता पहना दिया, किसी ने जो है कोई देवी देवता को गाली दिया, किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ बोल दिया, तो उसमें क्या होता है 1-2-3 है, क्या होता है उसमें 1-2-3 में गए चौकी में आप, 2 मिनट चले आप, सभा खत्म हो गई। एक राजा सिंह है वो तो जहर ही बोलता है फैलू के पास, और आज बोलते हैं कि कुछ और जो है आरएसएस से आज बीजेपी के लोग हैं, कहते 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए, इस देश के अंदर मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे इसको। देखिए इतना आसान नहीं, एक ही दफ्स कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा ना कि सेकुलर देश या हिंदू राष्ट्र, पूरा देश की चरचरा उठेगा देश। इसलिए हमें इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है उस पर अमल करते हुए आपसी भाईचारे को रोक। मैं अहमदनगर के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहे, समाज के आखिरी आदमी को दो रोटी मिले इज्जत के साथ में, रहे लोगों को इज्जत साथ खाना मिले, लोग अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ में पढ़ाएं, बूढ़े लोगों के इलाज करें, किसी के आगे उनको हाथ न फहराना, ये भारत देश हम देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते रोजाना देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो। हमें अफसोस है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज इलेक्शन 5 स्टेट में हो रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल 370 मंदिर बनेगी वहाँ पर, हम मंदिर बनेगी, आप आइए मंदिर देखने आइए, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें, ये जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति में ना, वो समझो कि सबसे खराब निकम्बे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए। जो लोग डेवलपमेंट को लाते हैं इसके राजनीति के अंदर, वो अच्छे लोग माने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज बैठे हैं सत्ता में ना, वो सिर्फ धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हैं। मैं आज जो है पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो आपने 62 लोगों पे वो केस फाइल किया आपने, आप उनको किसी के बोलने पर मत इस तरह कीजिए, आप उसको अंदर चेक कीजिए उसको, अगर सचमुच जो आदमी उसमें था केस में, उस मारा झगड़े में था, तो आप जरूर चेक केस कीजिए, उन्होंने उनके नाम को निकाल दीजिए, और आप सर ने मुझे वादा किया है कि हमें नाम भेजिए, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर गलत तरीके से कोई पकड़ा गया है, चाहे किसी समाज का भी हो, उसका हमारा नाम निकाल देंगे। इसलिए मैं यहाँ आया था आज, मैं चाहता हूँ कि देश में अमन शांति रहे, और देश में जो लोग इनका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, दर्शक है, उनकी सरकार जल्द से जल्द खत्म हो जाए। गीर गाय निसर्गाची माय, आरोग्यदाय, देशी चव आणि संगम देशी संस्कृतीचा। आता आपल्या संगमनेर शहरात स्वादिष्ट चवीची मिठाई, आता आपल्या संगमनेर शहरात शुद्धतेची 100% खात्री असलेल्या निमाय स्वीट्सला आजच भेट द्या।
आमचा पत्ता निमाई स्वीट्स संगमनेर बस स्टँड कॉम्प्लेक्स प्रवरा मेडिकल शेजारी संगमनेर देशी गाईच्या दुधापासून बनविलेली स्वादिष्ट मिठाई इथे उपलब्ध संपर्क 81 91 93 22 22 निमाई स्वीट्स संगमनेर